अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए मेरा एक्वेरियम जो है बिल्कुल ग्रीन वाटर जो है उसका फिक्स हो चुका है और सारे इसमें बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं। फिश की क्वांटिटी भी आप देख लें और फिश को भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखें फिश जो है अब बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है और जो है तकरीबन 10 दिन हुए हैं उसको माशाल्लाह। लेकिन जो सारी फिश हैं मोटी मोटी हो गई, जो इंटरनल पैरासाइट का जो मसला होता है फिश के अंदर, फिर जो पतली होना शुरू हो जाती है तो वो चक्कर अब इसमें फिश में से खत्म हो चुका है माशाल्लाह से। और जो है फिश जो है अब अच्छी ग्रोथ कर रही है और अच्छी अब ये ब्रीडिंग वगैरह भी अच्छी करेंगे, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट जो है ब्रीडिंग भी रोक देता है फिश की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया, तो जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट्स में भी दे दूंगा और ऊपर ये जो आई आइकन आता है इसमें भी वो अभी चलने लग जाएगा। तो आप वो वीडियो लाजमी देख लें, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आप भी जो है अपने एक्वेरियम में चेक करें अगर इंटरनल पैरासाइट है और फिश को कोई प्रॉब्लम, इंचिंग प्रॉब्लम है और ग्रीन वाटर है तो उसको फिक्स करें। अब देखें मेरा माशाल्लाह एक्वेरियम बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और माशाल्लाह अब बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। पहले भी मेरा एक्वेरियम ऐसे था लेकिन मैंने ग्रीन कल्चर जो बनाया था, ग्रीन वाटर, फिर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि वो एक्वेरियम में मत डालना, क्योंकि मैंने अपने एक्वेरियम में डाल के चेक करा था पूरा पानी ग्रीन हो गया था। तो वो जो था ग्रीन वाटर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पैदा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो इस वजह से वो मैंने फिक्स करा। देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्वेरियम अब लग रहा है। पहले ली मैं तस्वीर आपको चला देता हूँ। पहले ली जो तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी आप देख लीजिए कि पहले ऐसा था और अब जो है ये ऐसा हो गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो अभी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट्स में जाके वो लिंक चेक कर लें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।